शिवराज कैबिनेट की आज भोपाल में बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को मंजूरी भी दी। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने पर संचालकों के लिए कई सुविधाएं देने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही किसानों की सुविधा के लिए खसरा नकल और ऋण पुस्तिका व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। वहीं समाकोटा बैराज परियोजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट में हुए हैं। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 31 मार्च मतलब आज किसानों को लोन चुकाने की जो अवधि थी वो आज समाप्त हो रही थी। कई किसान लोन नहीं भर पाए हैं। जैसा आप सबको विदिती है कि ये किसान के बेटे की सरकार है और इसलिए हर पीड़ा से वो स्वयं लगभग अवगत रहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने किसान डिफॉल्टर ना हो जाए ये संज्ञान लिया और इसलिए इस अवधि को बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दिया है। किसानों को समर्पित कैबिनेट है। हमारे ग्रामीण अंचल में जो लोक परिवहन सेवा थी, रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट RTC मॉडल, जो शायद मैं समझता हूं हिंदुस्तान में पहला होगा, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा के अंदर प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश